मैं तो वैसे भी अकेली रहती हूँ, मेरी फैमिली तो हैदराबाद में है। तुम्हारे यहाँ रहने से मेरी तन्हाई भी दूर हो जाएगी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गेस्ट रूम रेडी करती हूँ। चलो भाई, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। भाई मैंने तो रात को भी कुछ नहीं खाया था और अब तो भूख के मारे मेरे पेट में चूहे भाग रहे हैं। लो नाश्ता। जी हाँ याद आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है तुम्हारे केस के सिलसिले में। प्रेशर, उसका क्या फायदा? प्रेशर बढ़ेगा जज पर। वो जो फैसला सुनाने में बहाने बना रहा है ना, तुम्हारे स्क्रीन पर आते ही यूं क्यों फैसला सुनाएगा? वैसे एक बात कहूं, मैंने अपने करियर में तुम जैसी बहादुर लड़कियां ना होने के बराबर देखी। तुमने वाकई ही बहुत हिम्मत का मुजाहरा किया है। तुम्हारी जगह कोई और होती ना, तो कब का अपने ससुराल के दबाव में आकर अपने शोहर का खून बेच चुकी होती। तुम्हें इंसाफ दिलवाना मेरे करियर की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। क्या ये बात सच है कि वासे अहमद और उनकी फैमिली ने आपको पैसों के बदले खून माफ करने के लिए प्रेशराइज किया था? जी हाँ, ये बात सच है। बल्कि मेरी सास और देवत उन्हें माफ भी कर चुके थे। हमाद को गैर शादीशुदा बताकर मुझे उनकी जौजियत से निकाल दिया गया था। ये तो खुदा का करना हुआ कि मुझ पर हकीकत खुल गई, तभी मैंने दोबारा कोर्ट में पिटीशन दाखिल किए। क्या आप हमारे जरिए से आला हुकाम को कोई पैगाम पहुंचाना चाहेंगी? जी हाँ, मैं बस इतनी गुजारिश करना चाहूंगी कि जब सारे सबूत सामने हैं तो कोर्ट अब फैसले में देर ना करे, जितना जल्द से जल्द हो सके मेरे शोहर को इंसाफ दिलाए। मैं पूरी उम्मीद हूँ हमाद के मुजरिम को अब सजा मिलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और हाँ, आपके तवसुत से मैं एक बात पहुंचाना चाहती हूँ। इस केस का फैसला हर उस जागीरदार और बिजनेसमैन के लिए सबक होगा जो ये समझता है कि पैसे के जोर पर कोई भी जुर्म आसानी से किया जा सकता है। थैंक यू।